सभी एग्जिट पोल की खुल गई पोल, क्या हुआ है बड़ा झोल। इस एग्जिट पोल ने पलट दी बाजी, एनडीए की हालत बेहद खराब। इंडिया गठबंधन को मिल रहा पूर्ण बहुमत, पलटेगी सरकार। बहुमत से दूर एनडीए नहीं बन पाएगी तीसरी बार मोदी सरकार। लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान खत्म होने के बाद एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। एक तरफ जहां ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत दिखाई दे रहा है, तो वहीं पर एक एग्जिट पोल ऐसा भी है जिसमें इंडिया गठबंधन की सरकार बनती दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, इस एग्जिट पोल में भाजपा की हालत बेहद खराब दिखाई दे रही है। बिल्कुल सही सुना आपने, डीवी लाइव देश बंधु पर दिखाए गए एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती दिखाई दे रही है। डीवी के एग्जिट पोल में एनडीए को 215 से 245 सीटें मिल रही हैं, तो वहीं पर इंडिया गठबंधन को 260 से 295 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, 24 से 48 सीटें अन्य के खाते में भी जा रही हैं। डीवी के आंकड़े के मुताबिक महाराष्ट्र में एनडीए को 18 से 20 सीटें और इंडिया को 28 से 30 सीटें मिल सकती हैं। बिहार में एनडीए को 14 से 16 सीटें, इंडिया को 24 से 26 सीटें मिल सकती हैं। वहीं मध्य प्रदेश में एनडीए को 24 से 26 सीटें व इंडिया को 3 से 5 सीटें मिल रही हैं। इस एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तर प्रदेश में एनडीए को बड़ा नुकसान हो रहा है। उत्तर प्रदेश में एनडीए को महज 46 से 48 सीटें मिल रही हैं, वहीं इंडिया गठबंधन को 32 से 34 सीटें मिल रही हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 11 से 13 सीटें और टीएमसी को 26 से 28 सीटें मिल सकती हैं। कुल मिलाकर कहें तो डीवी एक लौता ऐसा एग्जिट पोल लेकर आया है जिसमें एनडीए की जगह इंडिया को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। अभी इस एग्जिट पोल को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चाएं हो रही हैं। किस एग्जिट पोल का आंकड़ा कितना सही होगा, यह तो 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। इन तमाम एग्जिट पोल के आंकड़ों और रुझान को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें।